Hello everyone, welcome back to your channel. This is Manna. And first time RRB clerk means का मैंने mock लगाया था. So हमेशा prelims की videos का तो रहता ही है, जैसे type of analysis and so on. पर ये RRB clerk means का था. एंड मैं मेंस के मॉक हमेशा बहुत कम देती हूँ, मतलब देती क्या हूँ, एक दो ही कोई मॉक लगाती हूँ तो लगाती हूँ. आई एम लिटल स्केर्ड ऑफ लाइक मेंस मॉक्स, बट इस बार हिम्मत करके बैठी जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव टू रिपीट माय मिस्टेक्स. अदरवाइज वही बात है, रिजल्ट भी मैं खुद का रिपीट ही कर रही होंगी, दैट इज फेलियर. सो टेस्ट बुक का मॉक लगाया था मैंने. एंड क्योंकि ऐसा है ना कि थोड़ा ये मेंस के बाकी प्लेटफॉर्म से अपन कंपेयर करते हैं ना, तो इट इज गुड कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो. एंड इफ यू आर लाइक टाइप ऑफ मेरे जैसे स्टूडेंट हूँ तो आपको थोड़ा सा ऐसा है, इट विल सूट यू. ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले. तो यू कैन सी आई गॉट 77.38 आउट ऑफ 200, और इतनी 60 तो मतलब इसका आधा कर दे तब जाके कट ऑफ जाती है, तो ऑफकोर्स सिलेक्शन तो इसमें नहीं है. फिर उसके बाद में मैंने जनरल अवेयरनेस जो है उसमें एक, ये पता नहीं कैसे मुझसे शायद गलती से बाय मिस्टेक टिक हो गया था, बट मैंने जीए नहीं अटेम्प्ट की इसमें. कंप्यूटर है, कंप्यूटर में टाइमिंग की प्रॉब्लम आएगी मुझे, आई थिंक सो, जस्ट बिकॉज उसमें ठीक है क्वेश्चन थे पर थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ रहा था. एंड यू हैव 15 मिनट्स फॉर द 40 क्वेश्चंस. तो मुझे लगा जब मैं कंप्यूटर कर रही थी कि ओके तमन्ना, जस्ट बिकॉज आई अटेम्प्टेड 28 आउट ऑफ 40 कंप्यूटर, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज मुझे करना होगा. मुझे ऐसा भी लगता है कि पेपर में यहाँ एक एक लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चन थे, पेपर में थोड़ा सा हाई साइड आते हैं, तो थोड़ा सा इसमें स्पीड अच्छी करनी है. बाकी बता देती हूँ मैं मेरा एनालिसिस अगर मैं बताऊँ प्रॉपर कि क्या क्या अभी अपन मेंस के मॉक देते टाइम चीजें ध्यान रख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग एंड मैथ्स में यू हैव टू फाइंड आउट द इजी वन क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि फटाफट करो. जैसे मैंने मैथ्स में क्या किया था ना, मैंने डीआई उठाई थी, एक डीआई थी वो बहुत लेंदी डीआई थी, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कौन सी डीआई की मैं बात कर रही हूँ, और उसके क्वेश्चंस भी लेंदी टाइप थे, बट मैंने वो की फिर भी, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, स्टिल आई डिड. एंड सेम रीजनिंग में मैंने पजल की, लास्ट में जब न्यूमेरिकल एबिलिटी में वो आपके स्पीड टेस्ट के स्पीड क्वेश्चंस आए थे ना, स्पीड क्या बोलते हैं उसको, अप्रोक्सीमेशन टाइप ऑन सो ऑन, वो मेरे छूट गए हैं, तो वो मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर सकती थी. इट्स अराउंड कि मैं शायद 25 तक ले जाती. एंड सेम इन द रीजनिंग इट मे बी मैं 30 तक ले जाती. 10 क्वेश्चंस ऐसे, मतलब दो पजल्स ऐसे थे जिनमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, तो फिर भी मैंने किया. तो सब सारे क्वेश्चंस पे मैं विजिट नहीं किया मैंने. तो पहली मिस्टेक तो ये, आपको पहले इजी वन क्वेश्चंस को सबको उठाना है, फटाफट करते जाना है, आपको चीजों को हार्ड वाली चीजों को पहले नहीं उठाना है मैथ्स और रीजनिंग के लिए. इंग्लिश में 33 आउट ऑफ 40 जिसमें से ऐसा सीन रहा कि ठीक था, टाइमिंग भी 15 मिनट में हो गई थी, 30 मिनट नहीं लिए इंग्लिश ने, तो मुझे लगता है अगर सेक्शन टाइमिंग नहीं होती तो ये वाला टाइम मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकती थी, स्कोर अच्छा हो सकता था. तो ये एक पीछे से ठीक है, कोई बात नहीं, आई हैड टाइम, तो आप देख सकते हो. बाकी जीए में अभी तो जीए को पढ़ना ही है, पढ़ना ही महाभारत लग रही है मेरे को. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. एंड आप भी अपना मतलब शेयर कर सकते हो, ये वाला अगर आप मॉक लगाओ क्या रहा क्या नहीं रहा. सी मैंने मतलब आगे क्वेश्चंस पे ये वाले क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो ये देखो ये वाले हैं, उसके अलावा आगे दो पजल्स आएंगे शायद. ये सिंगल क्वेश्चन है, ये वाली लास्ट में देखो, ये सिंगल क्वेश्चन बेस्ड है तो ऑफकोर्स ये इजी होगी. उसके अलावा ये सिंगल को बेस्ड क्वेश्चन है तो ये मेरे छूट गए हैं, और एक पजल नहीं करती तो ये 10 क्वेश्चन मेरे बन सकते थे. 5 क्वेश्चन का सीधा सीधा मुझे नुकसान हुआ है यहाँ पे. एंड कंप्यूटर का ये सीनरी हो रहा है, गलत नहीं है यार, मैंने कंप्यूटर को फिर से रिवाइज करने की बहुत नीड है आई थिंक सो. मैं अभी क्लर्क मेंस दे दूँ, उसके बाद में कंप्यूटर को मैं रिवाइज करना भी बंद कर चुकी थी एक्चुअली, तो दोबारा से शुरू करूंगी. और जीए में तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं. बाकी इंग्लिश का ये ओवरऑल रहा है. एंड मैथ्स में आप देख सकते हो ये, अब देखो लास्ट में क्या था ना, ये वाले क्वेश्चन थे, जैसे ये वाले क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो ये, तीन क्वेश्चन तो ये मिस हुए मुझसे, दो तो ठीक है. उसके अलावा ये वाली एक, इसके अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, और मैंने जो डीआई की है ना वो पहले वाली, उसमें इतने उठे क्वेश्चन थे, तो ये वाली डीआई इजी थी करनी. उसके अलावा ये वाली डीआई हो गई है, एंड देन ये सिंगल बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है. ये तो चलो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल ही होते हैं, उनमें टाइम टेकिंग ज्यादा होते हैं ये. दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, शेयर योर इफ यू आर गिविंग द मॉक्स. ये वाला मॉक तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने लगाया ही होगा, अभी बस आरआरबी क्लर्क मींस फुल टेस्ट 2024 का. शेयर योर स्कोर, आपका क्या रहा है क्या नहीं रहा है, एंड इफ यू हैव एनी एडवाइस देन यू कैन गिव मी. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय.